काम धंधे, हमको अपनी मेहनत से ही कमाना खाना है। पेट्रोल जो आपको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा, जो राशन आपको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा। हमें किसी चीज़ से कोई, हमको अपने काम से मतलब है सीधा। तब आगे क्या हो रहा है हमें क्या पता। आगे आदमी पता चल रहा है मारपीट हो रही, मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ, मोबाइल आजकल ऑनलाइन है, टैक्सी आदमी सारी न्यूज़ सामने आ जाती, क्या हो रहा है कहाँ क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। तो आपको क्या लगता है जो सरकार है योगी जी की, ये क्या सही कर रही है या गलत, इस बारे में क्या समझ? अब बता तो रहा हूँ कि 3-4 साल से मैं क्या बताऊँ, फिर भी देखिए कुछ तो समझ आता होगा। ये बुलडोजर चल रहा है, मिट्टी में लोगों को मिला रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं साहब देखिए, अगर ये सिस्टम तो कोर्ट कचहरी को बंद कर दें ताला भी। जब आन द स्पॉट आप खुदा फैसला कर रहे हो तो कोर्ट कचहरी को ताला बंद कर दो। जब आपको खुद ही सारे फैसले लेने हैं तो आप खुद सोचिए कोर्ट और कचहरी का क्या मतलब है। मुलजिम का एक सिस्टम होता है कि चोर है उसको पकड़ा पुलिस ने, कोर्ट में दिया, कचहरी गया, जेल गया, सिस्टम भाई सिस्टम जब हाई नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको केस करना है तो क्या मतलब है कोर्ट कचहरी को ताला बंद कर दीजिए, बस ही जा सकता है। और किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है कि सरकार अखिलेश की अच्छी थी या योगी जी की अच्छी है। फर्क हमारा इतना है कि ये गलत जैसे कोर्ट कचहरी का मतलब बंद कर दीजिए आप। जब आप ऑन द स्पॉट लोगों को सजा दे रहे हैं, ना इसमें हिंदू ना मुसलमान, जब फैसला आप ही का है तो कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, बंद कर दीजिए उसको बस। वो कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और आज वही हो गया, आज असद को मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल, तो मतलब क्या है कोर्ट का, मिट्टी में आप मिला रहे हो तो कोर्ट कचहरी का मतलब क्या है, बंद करिए ना कोर्ट कचहरी, जज है ये सारी चीजों का सिस्टम जो चल रहा है ये बंद कर दीजिए आप। कोर्ट कचहरी वाला आप डायरेक्ट करिए, आप जो भी सिस्टम कर रहे हैं डायरेक्ट करिए ऑन द स्पॉट। आप ये जज है, वकील है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे चीजें इनको कोई मतलब नहीं है। फिर आपका जो भी है सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है कि गलत जो करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, सही के साथ सही हो, गलत के साथ गलत है। तो अतीक तो माफिया था ना, अगर उसके साथ कुछ देखिए, अगर माफिया था जो सरकार उनके साथ कर रही है उससे पब्लिक खुश तो नहीं है। पब्लिक नहीं खुश है ना कि भाई उन्होंने जैसा किया वो आज 7-8-10 साल से जेल में है, जैसा भुगतान उनके वो भुगत रहे हैं, मगर उससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। तो वो उनकी अपनी कहानी है, वो ना हम आम जनता पब्लिक को देने वाले हैं, ना सरकार आम जनता पब्लिक को देने वाली है, तो वो उनकी अपनी जगह है, अपनी कहानी, वो उनकी अपनी जगह है। अब देखिए वो माफिया थे, आज 10 साल से जेल में, मायावती की सरकार में भी थे, तो उनका भाई उन्होंने जो गलत किया होगा वो उसकी सजा वो काट रहे थे। लेकिन आज अतीक खुद मान रहा है कि ये मेरी वजह से जो मेरे परिवार के साथ हो रहा है ये सब मेरे गुनाहों का फल है जो मेरे परिवार को मिल रहा है, आज अतीक बेबस नजर आ रहा है अपनी जगह। देखिए सही बात है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारी औलाद भुगतेंगे, वो तो पुरानी कहानी ऊपर वाला भी है कि अगर बाप गलती करेगा तो उसका भुगतान बेटा भुगतेगा। तो अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। कई लोगों से बातचीत करता हूं तो कहते हैं कि अतीक ने ही असद को उकसाया ये सब करने के लिए। देखिए हमारे 2-3 किलोमीटर चकिया होगा यहाँ से, मगर आज तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ना हमने उनको देखा है ना उन्होंने हमको देखा है, हमने कभी किसी को देखा ही नहीं, सिर्फ नाम जानता हूँ 3-4 किलोमीटर के अंदर है, नाम जानते हैं बस है। भाई हमारे वक्त में हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी हम तुरंत एक एप्लीकेशन बच्चे की है स्कूल की तो विधायक जी का लिखा के लाइए, सिग्नेचर करा के लाइए, तो कर देते थे भाई। अब आज के टाइम में वो सांसद और विधायक ना हो के एक अपराधी हो गए, मगर हम भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम ऐसा थोड़ी कि हम भी उनके साथ अपराधी हो गए, हमारे मोहल्ले में है तो भाई अगर हमारे मोहल्ले में एक आदमी अपराधी हो तो पूरा मोहल्ला या पूरा वो तो अपराधी नहीं हो जाएगा ना, बस उसमें सिस्टम है। मगर आज तक हम लोगों ने कभी किसी को देखा ही नहीं, अब तो ये टीवी और चैनल न्यूज़ पे सुन रहे हैं कि फलाई चाह हो गया फलाई, आप खुद समझदार है जान लो कि आदमी इस वक्त काम में इतना व्यस्त हो चुका है, काम की सिस्टम इतना ख़राब हो चुकी है कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं मिलता कि कहीं एक घंटा जाके बैठ पाए, और जो बैठेगा वो गलत आदमी बैठेगा, सही आदमी कभी नहीं बैठेगा। लेकिन इस सरकार में जो हो रहा है लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है, एक मिनट और लूंगा, कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ाए जाते हैं, घर तोड़े जाते हैं। नहीं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें सभी लोग शामिल हैं, और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी लोग हैं, नॉन मुस्लिम के भी हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के ही है, नॉन मुस्लिम के भी हैं, सभी पे हो रहा है। हाँ सभी। अखिलेश यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाईचारा खराब कर दिया, तब हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं बैठता।
वो सब नेतागिरी है, उसको आप क्या कहेंगे, जानते हैं आप। क्या लगता है हिंदू मुसलमान का भाईचारा है? ऊपर वाले के कर्म तो बहुत है, आज भी हम लोगों का सब एक साथ है, साथ बात साथ में उठना बैठना, कोई तकलीफें नहीं है हमको एक दूसरे से, कोई तकलीफ कभी थी ही नहीं, जो थी सब आपस में सरकार की ही थी, मगर आम पब्लिक आवाम जनता की हिंदू मुसलमान की कोई तकलीफ नहीं थी। हम लोग सब एक साथ बैठना उठना मिलना जुलना, कभी आज 2500 बरस हो गया कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी हम लोगों में कोई तकलीफ, जो थी सब सरकार की थी, हिंदू मुस्लिम राइट और ये और वो, ये सब सिर्फ सरकारों की है, मगर आवाम की और जनता की ये सब कोई शिकायत नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई आम जनता की शिकायत नहीं है। बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, और त्यौहार भी हमारा फर्स्ट क्लास गुजरेगा, फर्स्ट क्लास। अभी होली भी देखिए फर्स्ट क्लास गुजरी है।